राजेश शब्द में गोल्डन टेंपल ऑफ अमृतसर यही पंडाल हम लोगों का सबसे बेस्ट है। सिर्फ 25 मिनट तक अपने घर से काफी ज्यादा दूर थे। कब सुबह हो गया कि हम लोग वहीं पे रुके। आवाज सुनने के बाद षष्ठी के दिन हमने घूमा कलकत्ता और आज है सप्तमी मतलब दुर्गा पूजा डे 7। तो आज हम लोगों ने प्लान किया कि आज जाएंगे कल्याणी। बेसिकली कल्याणी एक बहुत मीठा सा शहर है, बहुत प्यारा शहर है जो बिल्कुल कोलकाता के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यार आज कल्याणी चलते हैं। एक घंटे पूरा ड्राइव करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे कल्याणी की फर्स्ट पूजा देखने के लिए जो कि था कल्याणी ITI मोड़ पे। रात को 1:30 बजे वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड होगा और इतना ज़्यादा भीड़ होगा हम लोगों को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। फिर हम लोगों को काफ़ी टाइम लगा वहाँ पे पार्किंग ढूंढने में। तो फाइनली थोड़ा कोशिश करने के बाद हम लोगों को फाइनली पार्किंग मिल गया था। यहाँ पे अगर आप 7 बजे या फिर 8 बजे आते हो तो इतना ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे कि आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा सिर्फ यही पूजो देखने के लिए। इसी वजह से हम लोग जानबूझ के रात को आते हैं ताकि हम लोग का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और बिल्कुल हम लोग का यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं हुआ और हम लोग निकल चुके थे ये पूजो विजिट करने के लिए।
फिर ये पंडाल विजिट करने के बाद वही का एक अंकल हम लोगों को बोला कि वही पे बस 15 मिनट की दूरी पे और एक पंडाल है जो कि है गोल्डन टेंपल ऑफ अमृतसर। सो ये बात सुन के हम लोग को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगा मन में और हम लोग वो जगह पे चले गए। हम लोग षष्ठी को कलकत्ता घूमे, आज सप्तमी था, कल्याणी हम लोग लगभग पूरा देख चुके थे, लेकिन ये पंडाल हम लोगों को पूरा भाग गया। और यही पंडाल हम लोगों का सबसे बेस्ट लगा क्योंकि एक तो था डेकोरेशन, पूरा डीटो किया जो बेसिकली अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है बिल्कुल वैसा ही किया, और उसके ऊपर जो एक बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था ये बिल्कुल वही फीलिंग दे रहा था। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा। वो पंडाल हम लोग को इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि हम लोग वहीं पे 20 से 25 मिनट तक रुके थे और फाइनली हम लोग वहाँ से निकल गए। लेकिन रास्ते में एक और अच्छा पूजा हम लोग को दिखा तो हम लोग बस थोड़ी मिनट के लिए लेकिन वहाँ पे हम लोग रुक गए थे। हम सब लोग अपने घर से काफ़ी ज़्यादा दूर थे तो फाइनली हम लोग यू टर्न मारे और हाईवे पे पहुँचे, और 45 मिनट्स हाईवे पे राइड करने के बाद एक चाय के दुकान पे हम लोग रुक गए थे। मैंने अपने शैडो का इंडिकेटर बस इसी वजह से वहाँ पे ऑन किया था ताकि वहाँ पे उस रास्ते पे आने जाने वाला हर एक ट्रक उसको देख पाए। फिर देखते ही देखते सुबह हो गया और हम लोगों में इतना ज़्यादा मस्ती मजाक चल रहा था उस वक्त कि हम लोग कुछ समझ में नहीं आया कि कब सुबह हो गया। जाने के टाइम पे रास्ते पे एक इतना खूबसूरत जगह हम लोग को दिखा कि हम लोग वहीं पे रुक गए फोटोशूट करने के लिए। कंप्लीट।
उल्टा दारी है जो है। मारो सुबह सुबह ये आवाज़ सुनने के बाद हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। मेरा हाथ ऐसा ऐसा हो रहा था, उसके बाद थोड़ा बॉडी बस। और अब देखिए मेरा टैलेंट। तो इसके बाद आप लोग देखिए, अगर चुलबुल पांडे इस म्यूजिक पे अगर डांस करते तो कैसा होता वो। तो फिर ये सारा कॉमेडी करने के बाद हम लोग वहां से निकल चुके थे। शायद कभी मैं ना रहूं, शायद मेरे भाई कभी ना रहे, शायद हम लोग के बीच ये जो बॉन्डिंग है ये शायद ना रहे, लेकिन हम लोग ये जो मोमेंट बिताए ना, इवन हर साल बिताते हैं ऐसे, ये हमेशा हमारे दिल में और हमारा दिमाग में हमेशा रहेगा। बस क्या है, मतलब लाइफ तो ऐसा ही है ना, बस ये छोटा छोटा जो मोमेंट है ना लाइफ का, इसको बस एंजॉय करना चाहिए और कुछ नहीं। सो एनीवे, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो और मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।